5 दिसंबर का दिन था और उस दिन हाजी यूनुस को कई जगह पार्टी अटेंड करने जाना था। हाजी यूनुस पर कभी किसी तरह की हमले की वारदात न होने की वजह से वह होने वाले हमले से बिल्कुल बेखबर थे और वह बेधड़क होकर रोजाना की तरह अपने काफिले के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान एक बाइक पर सवार दो बदमाश हाजी यूनुस की रैकी कर रहे थे, मगर हाजी यूनुस अभी भी आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर थे। आपको बता दें, हाजी यूनुस बुलंदशहर सदर ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। हाजी यूनुस को राजनीति विरासत में मिली, जिससे लोगों का प्यार भरपूर मिलता नजर आता है और हाजी अलीम के जाने के बाद हाजी यूनुस की लोगों के चहेते नेता बन चुके हैं। हाजी यूनुस बसपा पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए थे और वह हमले से एक दिन पहले ही RLD यानी रालोद पार्टी में शामिल हुए थे और अगले दिन ही उनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस हमले में हाजी यूनुस बाल बाल बच गए, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक शख्स की मौत भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित की और इनाम भी घोषित किया। पुलिस टीम ने एक के बाद एक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बचा हुआ एक हमलावर पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश डाल रही थी। बुलंदशहर पुलिस के साथ साथ STF भी आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। बीते गुरुवार को STF यूनिट को मुखबिर की सूचना मिलती है कि हाजी यूनुस पर हमले का आरोपी अंकित अपने घर बुलंदशहर के कस्बा खानपुर के गांव माधोगढ़ रहा है। सूचना मिलते ही STF अलर्ट हो जाती है और आरोपी अंकित को मौके से दबोच लेती है। आपको बता दें, STF ने अंकित पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। STF ने आरोपी अंकित पोसवाल के पास से भारी मात्रा में विदेशी असलहों को बरामद किया है। पुलिस ने मुख्य शूटर लखन समेत 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंकित की गिनती भी नामी गिरामी बदमाशों में आती है, जिसके नाम से इलाका खौफ मानता है। STF ने अंकित के पास से हाजी यूनुस के काफिले पर हुई फायरिंग के समय प्रयोग हुए विदेशी असलहों को मैं कारतूस के बरामद किया है। पूछताछ में अंकित ने STF को बताया कि वह हमले के मुख्य शूटर लखन को तकरीबन 2016 से जानता है और हाजी यूनुस पर हमला करने के लिए लखन ने अपने गैंग में उसे शामिल किया था। लखन ने ही उसे बताया था कि इस घटना का सूत्रधार जेल में बंद हाजी यूनुस का भतीजा अनासोर हारिश खान है। वहीं STF अधिकारी ने बताया है कि STF यूनिट की एक अन्य टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।